मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट आने के बाद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दो सूचियां आ गई हैं, जिनमें करीब 2,650 लोगों की प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल पर पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले वक्त में सर्किल, गांव और बूथ लेवल पर भी समितियां बनाई जाएंगी। जो कल रात को लिस्ट निकली है उसमें 2,000 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। करीब दो लिस्टों में 2,600 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। जल्दी हमारी नियुक्तियां, अभी जो नियुक्तियां हुई हैं वे प्रदेश, लोकसभा और विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, और जो जल्द आने वाली हैं और नियुक्तियां और जो लिस्ट जारी होने वाली हैं वो बूथ पर और गांव सर्किल तक हमारी जो नियुक्तियां